सर मुझसे भी अभी बॉक्सिंग का कोई ज्यादा मेरा वो रहता नहीं, वो मुझे बुलाते नहीं कहीं, ना कोई नेशनल चैंपियनशिप में, ना कहीं एक्स वाई जेड कोई टूर्नामेंट में। मैं गया था कई अभी, सलमान भाई ने भी यही पूछा था, मतलब बॉक्सिंग में क्या चल रहा है। मैं कहा जी पता नहीं, मैं बेरा को ना मैं कहा मुझे क्या मालूम, मैं कहा जी व्हाट्स हैपनिंग राइट, मैं जो हमें न्यूज के माध्यम से पता लगता हूँ पता लग जाता है। अभी एक और राहुल गांधी ने भी यही सवाल पूछा था ना, बॉक्सिंग का क्या चल रहा है। तो जी मैं मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मेरे को बुलाते नहीं, तो हाउ यू गेट टू नो, मेरे को जो जीत के मेडल लेके आता है तब पता लग जाता है कि ओके इसने मेडल जीत लिया। रही बात हमारी कहीं सलाह मशवरा करने की बात हो, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने की बात हो, हमें कभी नहीं बुलाया जाता ऐसे कामों में। तो अभी क्या चल रहा सर आप सबको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, दैट्स इट। मैम आप मैरी कॉम को देख सकती है, हमारी एथलीट है लवलीना, एक अच्छा क्या भी ओलंपिक मेडल लेके आई है, बॉक्सिंग में बहुत अच्छा करी है स्पेशली। मैं दूसरे गेम की बात करूँ तो बहुत लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, बिकॉज रेसलिंग में भी आएंगे तो अभी साक्षी मलिक है, बहुत सारे एथलीट हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं अभी। और स्पेशली जो आपने सर्वे किया था, जो आपने बताया कि उसमें महिलाएं थोड़ी सी कम आई हैं, लड़के ज्यादा करते हैं, तो लेकिन आप हरियाणा की बात करेंगे तो स्पेशली जब आप मैं जो देखता हूं तो महिलाएं नहीं पीछे हैं, आई थिंक मैं मानता हूं कि हमसे दो कदम वो आगे हैं। आई थिंक द लास्ट थ्री एंड हाफ वीक्स हैव बीन सो गुड फॉर वुमेन्स क्रिकेट दैट एवरीथिंग इज टर्न्ड अराउंड। हमारे पास कंट्री में टैलेंट है दैट इज फॉर श्योर, और ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा समय लगेगा। सो टू कम टू अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इज और इंग्लैंड प्लेयर इज, वो थोड़ा सा समय लगेगा स्पेशली फॉर अ यंगर प्लेयर। बट आई थिंक जो हमारी अंडर 19 टीम है, जो हमारे 16 साल के बच्चे हैं, जब वो इस तरीके की लीग में आएंगे या ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, उनकी ग्रोथ फास्टर रहेगी देन द बैच दैट इज देयर टुडे। ओलंपिक्स में खेल के लोग हीरो बनते हैं, पर पैरालंपिक्स में तो ऑलरेडी हीरो जो होते हैं वो आते हैं। चैलेंजेस हमारे थोड़े ज्यादा हैं, हमें घर से बाहर निकलने से पहले सोचना होता है कि वहां लिफ्ट होगी, स्टेयर्स होंगी या रैंप होगा, सो इट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग इवन टू स्टेप आउट ऑफ द होम। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट हैविंग व्हीलचेयर फ्रेंडली एनवायरमेंट इन आर कंट्री इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, सो आर चैलेंजेस आर बेस्ड ऑन डे टू डे लाइफ्स।